नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं छत पर अभी आई मैं सुबह सुबह, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि सुबह ही करने पड़ते हैं, वो शाम को नहीं कर पाएंगे आप। तो आज मैं मतलब ये जो बेलवर की सब्जियां होती हैं, तो उसमें जो कि दो तरह के फूल आते हैं वो आप जान ही गए होंगे, एक फीमेल फ्लावर होता है और एक मेल फ्लावर होता है। तो जब बहुत सारे मतलब जो दोस्त मेरे शहर में रहते होंगे और अब छत पर उनके फूल वाला पौधा नहीं लगाए होंगे और सब्जी लगाए हैं या छत पर लगाए भी हैं, तो बहुत कम मात्रा में फूल के पौधे लगाए हैं, और उनके छत पर यदि तितली भौरा और मधुमक्खी नहीं आ पा रही है और सब्जी लगाए हैं, बेलवर्गीय सब्जियां लगाए हुए हैं, तो क्या होता है कि उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, मतलब परागकण नहीं हो पाते हैं। इस वजह से कभी कभी जो है कि सब्जियां फूलती तो हैं, मतलब फ्लावर तो आते हैं, इस तरह से फ्लावर आएंगे, लेकिन सब्जियां बन नहीं पाती, मतलब वो फूल तो बनेंगे बट ये जो फूल हैं वो सब्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि मधुमक्खी और तितली मधुमक्खी और भौरों का हमारे छत पर आना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए फ्रंट में रहेगा तब तो वो कहीं से आ जाएगा, और गांव में है तब तो मतलब तितली भौरा या मधुमक्खी कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएंगी, लेकिन शहर में यदि आप हैं और छत पर सब्जियां लगा रहे हैं तो वहाँ छत पर मधुमक्खी तितली और भौरे बहुत ही कम जाते हैं, और शहरों में मतलब प्रदूषण बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर ये हम अपने छत पर पहले तितली भौरा और मधुमक्खी को पहुँचाना होता है। तो मान लीजिए सब्जी लगा ली है, लेकिन ये जो पॉलिनेशन करते हैं हमारे सब्जियों में, तो वो आपके छत पर कीट नहीं जा पहुँच पा रहे हैं, तो आप अपनी सब्जियों में हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, मतलब अपने हाथ द्वारा ही परागकण एक फूल से दूसरे फूल में पहुँचा करके अपनी सब्जियों वाले पौधों में आप सब्जियाँ मतलब आपकी लगने लगेंगी। तो देखिए यहाँ पर है स्नेक गार्ड और बहुत सारी सब्जियाँ आपको दिखाई देंगी, आप धीरे धीरे लग रही हैं छोटी छोटी, यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से मैं आज इस वीडियो में आपको हैंड पॉलिनेशन करना सिखाऊँ मतलब बताऊँगी। तो वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, क्योंकि सॉरी मेरे छत पर बहुत सारे मतलब भौरे तितली और मधुमक्खियाँ आती रहती हैं। अभी हो सकता है थोड़ा धूप हो गया है, क्योंकि मैं अभी 7:30 बज रहा है, लेकिन जितना ही सुबह जब मैं छत पे आती हूँ तो उतने ही मतलब यहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी और तितलियाँ दिखाई देते हैं। तो अभी तो चलिए मैं हैंड पॉलिनेशन करना आपको कैसे करना चाहिए अपने सब्जियों में, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए भिंडी में भी अब फूल मतलब लग रहे हैं, तो ये भिंडी में भी अब भिंडी लगेंगी, तो एक नज़र देखते चलिए। और उधर जो मैं नेनुआ गिलकी तोरई जो भी आप कहते हो, यहाँ पर मैं आपको देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं, और देखिए यहाँ पे देखिए मधुमक्खी आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, और इस तरह से बहुत सारे भौरे देखिए यहाँ पे बहुत सारे भौरे मतलब आए हुए हैं। तो चलिए मान लीजिए आपके छत पर यदि भौरे ये सब नहीं आ रहे हैं, कीट जो मित्र कीट होते हैं हमारे, तो हम हाथ द्वारा ही चाहे तो अपने सब्जियों को पॉलिनेशन करके परागकण एक दूसरे में पहुंचा करके अपनी सब्जियों में से अच्छी खासी सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए वहां पहले नीचे देख लीजिए एक नज़र, सब में सब्जियां लगी हुई हैं दोस्तों, और एक मैं अभी आई थी सुबह एकदम से, तो यहां पे देखिए ये रहा फीमेल फ्लावर, ये रहा और मेल फ्लावर यहाँ पर है, बहुत सारे मेल फ्लावर बहुत सारे आते हैं। तो देखिए ये मधुमक्खी देखिए अब मेल फ्लावर पर बैठ रही है, और इसके बाद तुरंत वो जाएगी फीमेल फ्लावर पर बैठेगी, तो इस तरह से अपने आप ही जो है कि परागकण एक दूसरे में चला जाता है और सब्जियां बनने लगती हैं छत पर।
लेकिन मान लीजिए छत पर आप शहर में रहते हैं और किसी कारणवश आपके छत पर ये सारे कीट नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप हाथ द्वारा भी अपने कर सकते हैं। हाथ द्वारा कैसे करेंगे दोस्तों? दो तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो पहले इस तरह से एक काटन ले लें रुई, और रुई ले करके आप इस तरह से देखिए, ये जो है कि ये फीमेल फ्लावर है यहाँ पर, तो ये देखिए ऊपर जो ये होता है यहीं पर परागकण होता है, तो इसे धीरे धीरे इस तरह से टच करें। आप चाहें तो किसी स्टिक में भी रुई लपेट सकते हैं। तो इस तरह से टच करने के बाद हल्के हाथ से, और इसके बाद यही आप ले जा करके इस तरह से, ये देखिए ये फीमेल फ्लावर है, तो फीमेल फ्लावर पर इस तरह से टच करा दें। इस तरह से टच करा देंगे तो ये हो गया हैंड पॉलिनेशन, मतलब हाथ द्वारा परागकण एक दूसरे में पहुंचाना। तो ये अब मतलब आपकी बतिया जो सब्जियां लगती हैं जैसे सड़ जाती हैं, या मतलब फूल लगते हैं, बहुत लोगों की शिकायत रहती है फूल लगते हैं लेकिन सब्जियां नहीं बन रही, मतलब बतिया तो लग रही है लेकिन वो मतलब कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो सड़ के गिर जा रही, तो ये कारण ये भी होता है दोस्तों। तो इस तरह से कर सकते हैं, या मतलब दूसरा एक तरीका ये है कि आप इसको धीरे से, आप इसका मतलब कोई महत्व नहीं, मतलब इसमें महत्व तो बहुत है, लेकिन इसमें से क्या करें कि धीरे से इसको ऐसे बटोर करके और इसे धीरे से निकाल लें, और निकालने के बाद इस फीमेल फ्लावर को देखिए, यहाँ पर देखिए मधुमक्खी अभी उड़ गई, तो आई थी दोस्तों। तो इस तरह से देखिए हाथ में ले लें मेल फ्लावर को, और इसे देखिए, ये देखिए बीच का जो है निकला हुआ, उसे फिर आप फीमेल फ्लावर पर इस तरह से देखिए धीरे से टच करा दें, और धीरे धीरे इस पर मतलब थोड़ा सा हल्के हाथ से इस पर रगड़ दें ताकि मतलब उसका परागकण एक दूसरे में चला जाए। तो इस तरह से हैंड पॉलिनेशन भी आप करके अपनी सब्जियों से अच्छी खासी सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका है दोस्तों, आप को जैसा उचित लगे, अच्छा लगे, वैसा करके आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। यदि आपके छत पर तितली भौरा, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मधुमक्खी है, और देखिए यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, अब ये मेल पर जरूर बैठी होगी और यहाँ पर आके बैठी तो ये सब्जियाँ बनने लगी। तो इस तरह से आप भी यदि ये कीट पतंग नहीं आ रहे हैं आपके छत पर और सब्जियाँ लगाए हुए हैं, तो आप हैंड पॉलिनेशन भी करके अपने सब्जियों से अच्छा खासी सब्जियाँ हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वाचिंग।